हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे राउटर पर पासवर्ड को इनेबल कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड को हम कैसे सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे स्विच पर पासवर्ड को इनेबल कर सकते हैं, कैसे हम सेट कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो पर हम राउटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राउटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे राउटर सेलेक्ट किया एक। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं CLI मोड में जाता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड की हेल्प से पासवर्ड को सेट करके दिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास रियल सिनेरियो में ऑप्शन होता है, हम यहाँ पे लैपटॉप का यूज़ कर सकता है या अपने पर्सनल PC का यूज़ कर सकता है और कंसोल केबल के थ्रू राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम यहाँ पे कमांड चला सकते हैं और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हमें यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, हम यहाँ पे CLI मोड में जाके भी इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, इनेबल मोड में जा चुका हूँ, इनेबल का यूज़ किया, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब हम आ जाते हैं, फिर हम कमांड की हेल्प से जो कुछ भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम कॉन्फ़िग मोड में नहीं आएंगे तो हम किसी भी राउटर पर या किसी भी स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इस पर आपको पासवर्ड सेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कमांड है लाइन कंसोल, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसने यहाँ पे बता दिया कि आप यहाँ पे जीरो का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीरो एंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया। उसके बाद हमारी एक कमांड होती है लॉगिन। लॉगिन से क्या होता है, राउटर को पता चल जाता है कि हाँ, मुझे पासवर्ड लगाना है। यानी कि जब आप पासवर्ड लगाते हो तो स्टार्टिंग में, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है या आप किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो आपने देखा होगा वो क्या मांगता है, लॉगिन मांगता है। लॉगिन जब आप करते हो उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगता है। तो ये एक ऐसी कमांड होती है, यहाँ पे राउटर को पता चल जाता है कि मुझको यहाँ पे जो यूज़र है उसको पासवर्ड एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो लॉगिन कमांड का यहाँ पे यही यूज़ होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे पासवर्ड का यूज़ करता हूँ, टैप करता हूँ। टैप करने के बाद में जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हो वो आप पासवर्ड दे सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे स्विच पर पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे नाम दिया था पंकज। तो मैं यहाँ पे भी पासवर्ड सेट करता हूँ पंकज और एंटर कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि ये पासवर्ड हमारा यहाँ पे सेट हुआ है या नहीं। देखिए, इसने यहाँ पे क्या मांगा, पासवर्ड मांगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड को एंटर करता हूँ, कोई भी रॉन्ग पासवर्ड, तो ये नहीं लॉगिन होगा। अब मैं यहाँ पे राइट पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करता हूँ पंकज, तो ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। मैं इनेबल मोड में जाता हूँ और फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में यहाँ पे चला गया। तो मैं फिर से यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम कैसे राउटर पे किसी भी पासवर्ड को इनेबल कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ हम किसी भी पासवर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं जो कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।